हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ और करीब 40 साल से मुझे स्टैम्पिंग है। स्टैम्पिंग यानी अकलाट, बोलने में प्रॉब्लम। तो ये मैंने कैसे ठीक की, जानना चाहेंगे? तो इसमें 5 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी स्टैम्पिंग या अपनी अकलाट जो पन है उसको जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हो। पहला स्टेप ये है कि आपको अपने माइंड को, अपने दिमाग से बात करनी है, उनको माइंड को समझाना है कि स्टैम्पिंग कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, हो सकता है और आप करके दिखा सकते हैं। तो माइंड को काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद ही आपको जो एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा, जो आप उसको फॉलो करके देखेंगे, फिर आपको उसमें फ़र्क महसूस होगा। तो कहने वाली बात यह है कि माइंड को समझाइए, हर दिन अपने माइंड से बात कीजिए कि भैया जैसे आज मैंने किन लोगों से बातें की, वहाँ पर मैंने तेज़ बोलने का ट्राई किया, मुझे तेज़ नहीं बोलना, मुझे धीरे बात करनी है। अगर धीरे बात हो पाएगी तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम सॉल्व नहीं होता है, धीरे धीरे करके ये सॉल्व होता है। तो मैंने अपने माइंड पे की काफ़ी काउंसलिंग की, अपने माइंड को पूरा एक्सप्लेन किया, समझाया कि अंकुर भाई तुम्हें धीरे बात करनी है और धीरे बात करके ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और इस स्टैम्पिंग के पूरे खेल में या पूरे स्टैम्पिंग की इस चीज़ में आपको जल्दी बात नहीं करनी, जल्दी बात करने चाहेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि धीरे बात कीजिए। इसमें क्या करना है, प्रोसेस क्या रहता है, गहरी सांस नाक से लेनी है और मुंह से वो लेटर या वर्ड धीरे बोलते हुए आपको स्टार्ट होना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपने गहरी सांस नाक से ली, मेरा नाम अंकुर है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। तो ऐसे आप गहरी सांस जब नाक से लेते हैं और मुँह से वो जब लेटर या वर्ड बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे स्टार्ट करना है। उससे क्या होता है कि आपकी वोकल कॉर्ड्स को काफ़ी, आपको उसको काफ़ी आराम मिलता है और आपकी प्रैक्टिस का फ्लो बैठ जाता है कि आपको धीरे बात करनी है। और जब माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी, फ्री माइंड रहेगा, तो और अच्छे से बात हो पाएगी। दूसरा यह है कि सामने वाले को लेके बहुत लोगों के मन में आता है कि भाई सामने वाले से मैं बात नहीं कर पाऊँगा, वो मेरा बॉस है, मेरा टीचर है या मेरे से कोई सीनियर है। तो जो डर बैठ जाता है, उस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से रिगार्डिंग आप काउंसलिंग कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, कोई बात नहीं, सामने वाला कोई भी पोस्ट पे हो, कैसी भी उसकी रैंक हो, उसे मत घबराइए। आपको अपना जो बोलना है आराम से बोलना है, धीरे बोलना है, तो फोकस होकर इन बातों को करेंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। फिर एक बात आती है कि मुझे 10 लोगों के सामने मैं नहीं बोल पाऊँगा, 40 लोगों के सामने नहीं बोल पाऊँगा। आपको सिर्फ उस वक्त सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे अपना फोकस अपनी बातों पे या अपने वर्ड्स पे या धीरे बोलने पे फोकस करना है। कितने लोग हैं उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। और जब भी किसी की से बात करें तो उसकी आंखों में देख के बातें हैं, इधर उधर देख के बात न करें। अगर आपने ये प्रैक्टिस डाल ली तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा और आपको पब्लिक स्पीकिंग से रिगार्डिंग कभी इशूज़ नहीं आएंगे। और फिर एक आता है कि जो मैंने एक्सरसाइज फॉलो की है वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा बोलता हूँ। तो उसमें ये है कि जैसे अपने इंग्लिश के वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इसमें जो वोवल्स होते हैं इनको आप जैसे बताया कि गहरी सांस नाक से लेना है और मुझे वो लेटर बोलना है, तो सारे वोवल्स की प्रैक्टिस करनी है। इवन इंग्लिश में अगर कुछ ऐसा है तो आप हिंदी में भी जो होते हैं आपके वोवल्स होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारी रेगुलर बोलचाल में यही सब वोवल्स या यही सब जो होते हैं इन्हीं का यूज़ होता है। कोई भी आप बात करते हैं या कुछ भी आप किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे गहरी सांस नाक से लेनी है और वो लेटर मुंह से बोलते हुए छोड़ना है। और इसमें लेवल 3 है, एक है आपका स्लो, एक मीडियम, एक हाई। तो हमेशा आप धीरे पर तो बात नहीं करते हैं, कभी आपको ज़ोर से भी बोलना पड़ता है। तो आपको हर स्पीच लेवल या एक जो टेम्परमेंट होता है उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो जैसे आपको मैं एक करके देता हूँ, जैसे ए है या ई है, तो अभी हमने किया स्लो, इसमें पिच थी वो स्लो की। फिर आप गहरी सांस नाक से लेंगे, फिर से वो करेंगे पर उसमें पिच मीडियम हो जाएगी, तो पिच का ज़रा ध्यान रखना। ये थी मीडियम पिच। अब हाई में आप किसी को आवाज़ देना तो उसमें आपको हाई पिच यूज़ करना जरूरी रहेगा, तो उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो उसमें क्या है, इस प्रोसेस सेम ही है, गहरी सांस नाक से लेनी है और मुंह से वो लेटर होते हुए छूटना है। ई
ऐसे करके जितने भी वॉवल्स होते हैं ई आई ओ यू सबकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे आपका एक फ्लो एक मेंटेन होता रहेगा, फिर आपको कभी कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। अगले मेरे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं बताऊंगा और कैसे कैसे जो प्रॉब्लम आप रियल टाइम में या रियल लाइफ में जो फेस मैंने भी की है, आपने भी वो फेस हो रही होगी, आप लोग फेस करके देख रहे होंगे, तो कैसे ठीक हो सकती है उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियोज़ में और इन्फॉर्मेशन दूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।